नमस्ते बच्चों, आज हम तीन तक गिनना और जोड़ करना सीखेंगे। बच्चों आइए पहले हम इस तरह के तीन जुड़े वर्ग बना लेते हैं। अब हम दो फ्रेमों में एक एक गेंद बनाएंगे। बच्चों क्या आप बता सकते हैं कि हमें और कितने फ्रेम में गेंदे बनानी होंगी ताकि सभी तीन फ्रेम में गेंदे हों? बिल्कुल सही, आइए हम एक और फ्रेम में गेंद बनाते हैं ताकि कुल तीन फ्रेम में गेंदे हों। बच्चों हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि दो में हम कौन सी संख्या जोड़ें ताकि कुल संख्या तीन हो। जब हम दो में एक और जोड़ते हैं तो कुल संख्या तीन होती है, जिसे हम इस तरह से जोड़ के रूप में लिख सकते हैं। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। इस बार हम एक फ्रेम में एक केला बनाएंगे। हमें और कितने फ्रेम में केले बनाने होंगे ताकि कुल तीन फ्रेम में केले हों? आइए हम खाली फ्रेम गिनें। यहाँ दो खाली फ्रेम हैं। इसका मतलब हमें दो और फ्रेम में एक एक केले बनाने होंगे ताकि कुल तीन फ्रेम में केले हों। बच्चों हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि एक में हम कौन सी संख्या जोड़ें ताकि कुल संख्या तीन हो। जब हम एक में दो जोड़ते हैं तो कुल संख्या तीन होती है, जिसे हम इस तरह से एक में दो जोड़ कुल तीन के रूप में भी लिख सकते हैं। बच्चों अब आपकी बारी है, क्या आप इस फ्रेम का इस्तेमाल कर यहाँ लिखे जोड़ के सवाल को हल कर सकते हैं? अपने उत्तर को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। बच्चों इस वीडियो में हमने तीन तक गिनना और जोड़ करना सीखा।